हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। 1990 में निर्मित ट्राइडेंट लिमिटेड यार्न, टेढ़ी तौलिए और चादरें और कागज़ और रसायन का निर्माण, व्यापार और बिक्री करता है। तो ये इसका कामकाज समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं इसके मुख्य बिंदु पर, जो कि इस प्रकार है। इसका मार्केट कैप 18,372 करोड़ का है। करेंट प्राइस 36.10 रुपया है। 52 वीक का हाई लो 43.80 रुपया और 25 रुपया है। स्टॉक पी 45.5 है, जो कि पी अब ज़्यादा ही हो चुका है। बेस्ट पी होता है 40 मेरे आइडिया अनुसार। बुक वैल्यू 8.23 रुपया। डिविडेंड यील्ड 1% का है। आरओसी 11.9%। आरओई 11% का है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ समय के लिए हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में जाए, लेकिन कम ही चांस है, 60% चांस है कि ये कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन और रिजल्ट आने वाली है तो हो सकता है आप ट्रेंड बन जाए अच्छा रिजल्ट के मुताबिक। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही, मेरा कोई सलाह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। प्रोज इसमें देखेंगे तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.3%। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 26.5 टू 15.9 डेज और कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 72.6 डेज टू 45.7 डेज। और कौन सी इसमें देखेंगे तो दो है, द कंपनी हैज़ डिलीवरेड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.79% ओवर पास्ट 5 ईयर और दूसरा है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। दो कॉन्स है और तीन प्रोज है। पीयर कंपेरिजन तो इस तरीके का टोटल 43 कंपनी है जिसके कि मार्केट कैप के बराबर ट्राइडेंट लिमिटेड का मार्केट कैप है या उससे कम है। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का देखते हैं तो 1,494 करोड़ का सेल्स है। एक्सपेंस है 1,262 करोड़ का। अदर इनकम है 11 करोड़ का। इंटरेस्ट है 32 करोड़ का। डिप्रिसिएशन है 89 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 122 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 91 करोड़ का। ईपीएस 18 पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो लास्ट 12 मंथ का 6,146 करोड़ का सेल्स है। एक्सपेंस है 5,231 करोड़ का। अदर इनकम 32 करोड़ का। अदर इनकम एक समय मार्च 2017 में 107 करोड़ का था, जो कि अभी काफ़ी घटा हुआ है। इंटरेस्ट 93 करोड़ का पेड कर रही है। डिप्रिसिएशन 325 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 529 करोड़ का और टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 404 करोड़ का, जिसके वजह से ईपीएस आया 79 पैसा, यानी कि 79 पैसा। अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। बैलेंस शीट अगर देखते हैं इसका मार्च 2023 का तो शेयर कैपिटल 510 करोड़ का। रिजर्व 3,683 करोड़ का। ब्रोइंग 1,442 करोड़ का। अदर लाइबिलिटीज 1,194 करोड़ का। टोटल लाइबिलिटीज 6,829 करोड़ का। और फिक्स एसेट है 4,094 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो है। अदर एसेट 2,366 करोड़ का है। टोटल एसेट है 6,829 करोड़ का। कैश फ्लो माइनस में मार्च 2023 में 144 करोड़ का और मार्च 2022 में 172 करोड़ का प्लस में था। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 73.19% है। एफआईज के पास में 2.47% है। डीआईज के पास में
0.05% है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास में 23.03% है, अदर है 1.25%। अदर यानी कि अच्छा खासा पैसे वाला इन्वेस्टर जो कि 1.25% अपने पास रखे हुए है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो 19,18,108 लोगों के पास में इसका शेयर है, जो कि जून 2023 के बाद में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, यानी कि इसके प्रति रुझान आया है पब्लिक के पास में। एक इसमें डॉक्यूमेंट है यानी कि अपडेट न्यूज है जो कि ट्राइडेंट लिमिटेड से मांगा गया स्पष्टीकरण, ये स्क्रीनर पर है 2 घंटा पहले का। एक्सचेंज ने 17 अक्टूबर 2023 को इस कंपनी में एक अपडेटेड न्यूज है, ट्राइडेंट लिमिटेड से मांगा गया स्पष्टीकरण जो कि एक्सचेंज द्वारा है 17 अक्टूबर 2023 को इस वेबसाइट पर www.livemint.com पर छपी मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में ट्राइडेंट लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा है। लिंक इस पर टैक्स विभाग आचरण देशव्यापी छापे पर ट्राइडेंट समूह रिपोर्ट इतना शीर्षक